सपा अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि गारंटी मूल्य धान खरीदी केंद्रों पर किसानों को धान की बिक्री करते समय अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बेमौसम वर्षा के कारण किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। किसानों की इस परेशानी को दूर करने के लिए धान खरीदी की नीति विधानसभा में ही तय की जाएगी। इतना ही नहीं, रबी की फसल शुरू होते ही धान खरीदी की पूर्व तैयारी भी की जाएगी। भंडारा जिला धान उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है, लेकिन यहाँ धान की खरीदने की उन्नत परंपरा नहीं है। नवंबर माह के पहले सप्ताह में धान की खरीदी आमतौर पर शुरू हो जाती है। उसी समय और उसकी खरीदी का नियोजन का कार्य भी शुरू किया जाना चाहिए, लेकिन नियोजन सही तरीके से न किए जाने के कारण धान की बिक्री सही तरीके से नहीं हो पाती। गारंटी मूल्य धान खरीदी केंद्रों में धान की बोरियों की बिक्री नहीं हो पा रही है। उसके पीछे का कारण भी यही है कि धान की बिक्री का सही नियोजन नहीं किया गया है। धान बिक्री की नियोजन शून्यता ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। किसानों को स्थिति से बाहर निकालने के लिए विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले ने एक अच्छी पहल की है और यह व्यवस्था दी है कि धान खरीदी की नीति विधिमंडल में तय की जाएगी। उन्होंने साफ किया है कि जल्दी ही विधिमंडल में इस विषय पर चर्चा कर सरकार की ओर से निर्णय लिया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि थापेवाड़ा सिंचाई परियोजना के 3 चरण का काम भी शीघ्र शुरू किया जाएगा। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज की रोजाना ताजा खबरों के लिए यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना न भूले। गूगल प्ले स्टोर से बीएस क्राइम इंडिया न्यूज की ऐप को डाउनलोड कर रोजाना ताजा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।